वेलकम बैक टू नोमी बाबा गेमिंग चैनल। तो यार काफी भाई काफी ब्रदर यार मेरे को बोले थे यार, बार बार कमेंट कर रहे थे कि यार आप पबजी मोबाइल को विदाउट वीपीएन भाई कैसे खेलें। यार अगर आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखेंगे ना तो भाई आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई पबजी मोबाइल को विदाउट वीपीएन कैसे खेलना है। अगर चैनल पे नए हो ना या पबजी के सच्चे लवर हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। बाकी यार आप लोग चेकआउट कर सकते हैं, जैसे ही मैं यहाँ पे आ जाता हूँ ना तो अभी आप लोग चेकआउट करें। कोई भी वीपीएन यहाँ पे भाई कनेक्टेड नहीं है, कोई भी वीपीएन कनेक्टेड नहीं है। तो भी कैसे करना है, विदाउट वीपीएन कैसे खेलना है, अगर आप लोग वीडियो एंड तक देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि भाई बिना वीपीएन के भाई कैसे खेलते हैं। एंड तक देखना है, अगर आप लोग भाई वीडियो को फुल देखेंगे ना तभी मेरे जान आप लोगों को समझ में आ जाएगी। बाकी यार अगर चैनल पे नए हो ना यार फिर से दोबारा से यार भी मिन्नतें करें तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। कुछ भी नहीं आता यार, अगर आप लोग स्मार्ट क्रिएटर को सपोर्ट नहीं करेंगे ना तो कौन करेगा, तो प्लीज यार कर लेना। बाकी यार बिल्कुल आप लोग करेक्ट वीडियो पे आएगा अगर आप लोग वीडियो को एंड तक, यार क्या है यार दोबारा मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लीज सब्सक्राइब कर लेना एंड लाइक भी कर लेना। तो चलो भाई सबसे पहले भी आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे भाई अपने यहाँ पे गेम को भी लॉग आउट हम कर लेते हैं। आपके सामने विद प्रूफ के साथ जो भी है ना मैं आप लोगों को सामने विथ लाइव प्रूफ मैं आप लोगों को दिखा दूंगा कि भाई कैसे आप लोगों ने करना है भी विदाउट वीपीएन पबजी मोबाइल को भाई गेम को खेलना है ना विदाउट वीपीएन। भाई आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले तो गेम को लॉग आउट कर लेने, यहाँ पे रिपेयर में आ जाना है, यहाँ पे ये जो है ना डिफॉल्ट सेटिंग रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग तो इसके ऊपर टैप करके यहाँ पे ओके करना है। बाकी यहाँ पे कोई भी चीज़ के ऊपर टैप नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे ये जो रूटीन रिपेयर है ना इसके हटा के यहाँ पे रिस्टोर डिफॉल्ट सेटिंग इसके ऊपर टैप करके एंड यहाँ पे ओके कर लेना है। ओके करोगे ना तो जो भी आपका मिसाल प्रॉब्लम होगा ना पबजी मोबाइल के अंदर सारा सॉल्व हो जाएगी एंड बिल्कुल आप लोगों के घर घबराने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इससे क्या होगा कि आपके जो सेटिंग्स है ना वो नॉर्मल हो जाएंगे, कोई बग वगैरह होगा ना कोई प्रॉब्लम होगा ना वो सॉल्व हो जाएगी। ये चीज़ तो लाजमी कर लेने, ये चीज़ कर लेने के बाद अगला जो प्रोसेस है ना वो बता देते हैं कि भाई विदाउट वीपीएन कैसे खेलने हैं। तो चले अभी मैं आप लोगों को ये चीज़ बता देता हूँ। तो भाई सबसे पहले भाई आप लोगों ने क्या करना है, अपने मोबाइल की सेटिंग में आना है। यहाँ पे भी हम आने के बाद सी अपने मोबाइल की जो सेटिंग है ना तो उसके अंदर चले जाएंगे। जैसे हम यहाँ पे इंटर हो जाते हैं तो भाई सबसे आपके मोबाइल के ऊपर है ना सर्च वाला ऑप्शन, यहाँ पे भाई आप लोगों ने लिखना है DNS, सिर्फ ये लिखना है एंड यहाँ पे प्राइवेट DNS के अंदर चले जाना है। जैसे आप लोग इंटर हो जाते हो ना तो प्राइवेट DNS ये नहीं है नीचे, इसके अंदर आ जाना है। ऑटो पे है ना तो इसको यहाँ पे सबसे नीचे वाला है ना डिसीजन प्राइवेट DNS तो इसके ऊपर रख देना है। इसके ऊपर जैसे ही रखोगे ना ये तो आप लोग बिना विदाउट VPN भाई आप लोग पबजी मोबाइल को इंजॉय कर पाओगे मेरी तरह बिल्कुल। भाई आप लोग ये सेटिंग करो एंड पबजी को इंजॉय करो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट कर लेना।